बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अवैस सिद्दीकी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल माइलस्टोन फॉर ड्राइव। जैसा लास्ट वीडियो मैंने बनाई हाउस बिल्डिंग फाइनेंस के लोन के मुतालिक कि हाउस बिल्डिंग फाइनेंस से आप किन शराइत पर लोन ले सकते हैं और इसकी रिकवरी कितनी होगी, तो आज की वीडियो है नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के मुतालिक। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के जो लोन दिया जा रहा है, जो आपको प्रॉपर्टी लोन दिया जा रहा है, उसके मुतालिक अभी किसी भी बैंक ने प्रॉपर अनाउंसमेंट नहीं की, लेकिन इंटरनली जो बैंक अपने प्लान तय कर रहे हैं, जो अपनी प्लानिंग कर रहे हैं, उस तमाम की इंफॉर्मेशन जो हमारे सोर्सेज से हमें मिली हैं वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। सॉलिड और बिल्कुल 100% ये ही जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करूँगा यही होंगी। बिना वक्त ज़ाया मैं शुरू करता हूँ और आपको बताता हूँ कि नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के ज़रिए आपको लोन मिलेगा और कितना मिलेगा और आपको कैसे पे करना है। तो सबसे पहले नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम में एक तो इस्लामिक बैंकिंग का इसमें कंसेप्ट दिया गया है कि इस्लामिक बैंकिंग के ज़रिए आपको ये लोन दिया जाएगा और इसमें सूद का मार्कअप बहुत कम होगा। सूद इस्लामिक बैंकिंग में सूद का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया जाता था, लेकिन इस तरह भी आपका जिन इसको एक्सेप्ट करे तो अच्छा जी। दूसरे नंबर पे है प्रोडक्ट टाइप्स। प्रोडक्ट टाइप में इसमें दो प्रोडक्ट्स हैं, आप एक अपार्टमेंट, एक घर, मुकम्मल बना हुआ घर इसमें खरीद सकते हैं, या आप लैंड खरीद सकते हैं, ज़मीन खरीद के उस पर एक मकान कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी मकान में रेनोवेशन करना चाहते हैं, अगर वो डबल स्टोरी है या उसको आप ट्रिपल स्टोरी करना चाहते हैं या उसको कोई रिकंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, तब भी आपको ये लोन प्रोवाइड किया जाएगा। बेसिक क्राइटेरिया क्या है इसके लिए, उसमें तमाम पाकिस्तानी जो मर्द व हजरात हैं 18 से 60 ईयर तक जो लोग हैं वो इस लोन को अप्लाई कर सकेंगे जी। उसके बाद बेसिक क्राइटेरिया में है इंडिविजुअल, वन इंडिविजुअल, एक आदमी, एक अकेला फर्द एक ही दफ़ा इस स्कीम से फ़ायदा उठा सकता है। ऐसा नहीं होगा कि आपने एक दफ़ा इस स्कीम से फ़ायदा उठा लिया और 5 साल बाद आपने पे कर लिया और दोबारा से इस स्कीम में अप्लाई कर दिया और फिर आपको ये अवेल होगी ये अपॉर्चुनिटी। एक दफ़ा गवर्नमेंट इसकी सब्सिडी देगी, उसके बाद दोबारा आपको सब्सिडी नहीं दी जाएगी, आपको उसी पर इतफा करना होगा। अब जो तीन तरह के टायर्स यानी तीन तरह की टाइप्स दी गई हैं, यानी कि अगर आपने प्लाट, अपार्टमेंट या कोई चीज़ खरीदनी है, मकान बनाया खरीदना है, तो उसमें तीन तरह की कैटेगरी हैं। फर्स्ट कैटेगरी है अगर आप एक हाउसिंग यूनिट, एक हाउस मकान खरीदना चाहते हैं बना बनाया, या एक अपार्टमेंट खरीदना चाहते हैं जिसका रकबा हो 125 स्क्वायर गज, यानी वो तकरीबन 5 मरले तक बनता है, उसका उसमें 850 स्क्वायर फुट, यानी कि वो तकरीबन 3 मरले से कुछ ज़्यादा बनता है, इतना एरिया आपको कवर्ड की जो उनसे बेनिफिट दिए जाएंगे, यानी कि इतना एरिया कवर्ड करने के आपको पैसे दिए जाएंगे, यानी कि 5 मरले की अगर आप जगह ले रहे हैं तो उसमें से 3-3.5 मरले की जगह कंस्ट्रक्शन के पैसे आपको दिए जाएंगे। यानी कि उसमें अगर आप इसमें आगे अपना सीन छोड़ देते हैं, ग्राज छोड़ देते हैं या साइड पे वेंटिलेशन छोड़ देते हैं पूरे घर के, तो वो इतनी जगह बनती है। घर, अपार्टमेंट या लैंड जो भी आप खरीद रहे हैं और उसके ऊपर मकान तमीर कर रहे हैं, उसकी मालियत 35 लाख तक होनी चाहिए। 35 लाख से ज़्यादा होगी तो फिर उसमें बाकी इन्वेस्टमेंट आपको खुद से करना होगी। बैंक आपको उसमें 35 लाख में से 2.7 मिलियन यानी 27 लाख आपको पे कर देगा। अगर आप 27 लाख नहीं लेना चाहते, कम से कम लेना चाहते हैं, तो 10 लाख पे कर देगा। फिर उसमें 10% आपको खुद से करना है, 30 लाख का 10% तकरीबन 3 लाख रुपया आपको खुद से इन्वेस्ट करना होगा, बाकी इन्वेस्टमेंट बैंक की होगी। तो अब आते हैं टाइप टू के मतलब। टाइप टू में अगर आप कोई हाउसिंग अपार्टमेंट, कोई हाउस या कोई अपार्टमेंट या लैंड जिस पे आपने घर तामीर करना है, वो अगर आप ख़रीद रहे हैं और उसकी उसकी जो उसका जो रकबा है वो 125 स्क्वायर गज है, मरबा गज, और उस पे भी आपको 850 स्क्वायर फुट की जो उसको कवर्ड एरिया है, जो उस पे आपने लेंटर गैलरी डालना है, उसके आपको पेमेंट की जाएगी। 5 मरले का प्लॉट है तो उस पर 3.5 मरले, यानी वो आप अंदाज़ा लगा लें उसका कि 850 स्क्वायर फुट कितनी जगह बनेगी, उतनी जगह के आपको बैंक जो है वो पैसे देगा कंस्ट्रक्शन के। तो उसकी भी मालियत 35 लाख तक होनी चाहिए, तो उसमें भी आपको 3 लाख तक जो है वो बैंक पे करेगा। टायर टू पहले पहले ऑप्शन में था जी, अब टायर टू की बात करते हैं। टायर टू में क्या है कि उसमें भी अगर आपने एक हाउसिंग अपार्टमेंट या आपने कोई लैंड खरीदनी है या उस पर घर तामीर करना है,
तो उसका भी रकबा 125 स्क्वायर गज हो, यानी कि पांच मरला। पहले था पांच मरले तक, यानी कि पांच मरले से कम कम, यह है पांच मरला। अब पांच मरले पे भी आपको इतना ही एरिया दिया जा रहा है कि 850 स्क्वायर फुट जगह जो सी है वो आपको कवर करनी है, यानी उस पर लेंटर डालना है, उसके पैसे आपको दिए जाएंगे। और वो तकरीबन बैंक आपको और उसकी मालियत तकरीबन होना चाहिए 35 लाख। अब 35 लाख इसकी भी मालियत 35 लाख होगी। अब बैंक इसमें आपको 3 मिलियन तक दे देगा, 3 मिलियन यानी 30 लाख तक आपको बैंक देगा ज़्यादा से ज़्यादा। कम से कम अगर आप लेना चाहेंगे, कुछ जगह आप सस्ती खरीदते हैं, किसी देहात में खरीदते हैं और उसकी मालियत कम होती है, तो आपको कम से कम 10 लाख मिल जाएगा, ठीक है। अब उस पर भी आपको 10% आपको खुद से पे करना है, 10% आप कंट्रीब्यूट करेंगे उस अमाउंट पे, देन आपको वो मुकम्मल अमाउंट दी जाएगी और आप उस पर तामीर कर सकेंगे। टायर थ्री में है, अगर आप कोई जगह हाउसिंग अपार्टमेंट या कोई लैंड या घर तामीर कर रहे हैं और उसका रकबा है 125 मरबा गज से लेकर 250 मरबा गज, जगह ज़्यादा हो गई है, 250 मरबा गज तक की जगह है, तो उसमें भी आपको कवर्ड एरिया जो करना है वो है 850 से लेकर 1100 तक, 1100 स्क्वायर फुट तक आपको उसका एरिया कवर करना है, यानी उस एरिया इतनी आपको एरिया कवर करने के इतने हिस्से पे लेंटर डालने के आपको पैसे मिलेंगे। मिसाल के तौर पर ये बनती है जगह 10 मरले, 10 मरले में आपको तकरीबन 7 से 8, ये आप जरा इसको स्क्वायर फुट में निकालेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि कितना एरिया आपको कवर करना है। तो मैं अंदाजे से बता रहा हूँ कि 7 से 8 जो बनता है मरला जगह बनती है उस पर आपको लेंटर डालना हो तो उसके लिए आपको 60 मिलियन का जो है टारगेट दिया जाता है कि 60 मिलियन तक मालियत की आप वो घर या प्लॉट या कुछ जो चीज़ आप खरीदना चाहते हैं उसकी लिमिट इतनी होनी चाहिए 60 लाख तक। अब इस 60 लाख में बैंक जो आपको फाइनेंस करेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा 50 लाख करेगा। अगर आप कम से कम अमाउंट लेना चाहेंगे तो वो 20 लाख होगी, 10 मरले का प्लॉट ले लेते हैं आप, उस पर कवर करते हैं किसी देहाती इलाके में या किसी चीप सस्ते इलाके में आप करते हैं, तो उसकी उस पर आपकी इन्वेस्टमेंट कम आती है, तो उसके लिए आपको कम से कम लोन 20 लाख दिया जाएगा। लेकिन उसमें भी शर्त होगी कि 15%, अब क्योंकि पीछे भी अमाउंट भी बढ़ गई है, जगह भी बढ़ गई है, यहाँ आपको 15% खुद से इन्वेस्ट करना होगा और वो डेफिनेटली 5-7 लाख रुपया बनेगा, वो आपको खुद से इन्वेस्ट करना होगा। बाकी जो 50 लाख है वो आपको बैंक लीज करेगा, बैंक देगा, तो आपकी प्रॉपर्टी आपके नाम होगी, यानी प्रॉपर्टी आप बना सकेंगे। अब आते हैं प्राइसिंग, यानी इंटरेस्ट रेट क्या लगेगा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसको आप गौर से सुन लें। जो टायर वन है उसमें 5 साल के लिए फिक्स है, 5% आपको लोन देना है, हर बैंक देगा, फैसल बैंक देगा, जो अल्फला बैंक है वो भी देगा, पंजाब बैंक भी देगा, नेशनल बैंक भी देगा, हबीब बैंक भी देगा, हर बैंक, लिमिट एक है, 5% आपको पहले 5 साल के लिए फिक्स इंटरेस्ट लगेगा। अगर आप इसकी मुदत बढ़ा रहे हैं 10 साल तक जा रहे हैं तो आपको अगले जो 5 साल हैं, पहले 5 साल 5%, अगले 5 साल जो उनसे है वो 7% इंटरेस्ट लगेगा। 10 साल में आपको तकरीबन 12% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, लेकिन वो 12% नहीं, आपको पहले पाँच साल 5% देना है और अगले 5 साल 7%, ठीक हो गया। अब चलते हैं जी टायर टू की तरफ। टायर टू में भी आपको यही प्लान दिया जा रहा है, 5% आपको देना है इंटरेस्ट पहले 5 साल और नेक्स्ट 5 साल, अगर आप उसको 10 साल पे लेके जा रहे हैं तो नेक्स्ट 5 साल में आपको 7% देना होगा। टायर थ्री में है जी, पहले 5 साल आपको 7% इंटरेस्ट देना है फुल अमाउंट पे, और उसके बाद जो अगले अगर 5 साल बढ़ाते हैं आप 10 साल के तक इसको लेके जाते हैं तो आपको 9% देना होगा। अब यहाँ एक जो चीज़ सामने उन्होंने बिल्कुल क्लियरली आपको बता दूँ, और जो बैंक आपको क्लियरली बता देगा कि अगर आप 5 साल या 10 साल तक चलते हैं बैंक के साथ, इतना लोन लगते हैं, 10 साल में आप इसको क्लियर कर देते हैं या 5 साल में क्लियर करते हैं, 5 साल में क्लियर करेंगे 5% इंटरेस्ट लगेगा, 10 साल में क्लियर करेंगे तो अगले 5 साल का 7% और 5% को यानी कि तकरीबन 12%, ये हो गया। लेकिन अगर आप इसको 15 साल या इसको आप करना चाहें 20 साल, फिर जो है वो पॉलिसी गवर्नमेंट क्या दे रही है, फिर गवर्नमेंट की पॉलिसी यह है कि जो करंट उस वक्त का मार्कअप चल रहा होगा, मार्केट वैल्यू चल रही होगी, उस पर आपको इंटरेस्ट देना होगा। यानी कि पहले 10 साल तो आपने गवर्नमेंट ने आपको सब्सिडी दे दी, अगर आप मज़ीद 10 साल अवेल करना चाहते हैं, मज़ीद 20 साल का लोन करना चाहते हैं
तो पहले 5 साल आप उसी हिसाब से लोन पे करेंगे, अगले 5 साल आप 7% के हिसाब से, और जो आखिरी 10 साल बचेंगे 20 साल में से, वो 10 साल आपको करंट जो मार्केट वैल्यू चल रही होगी इंटरेस्ट की रेशो, वो चाहे 22% हो या 10% या 15% या 25% जितनी भी हो, उस हिसाब से आपको वो अमाउंट पे करना होगी और उसका इंटरेस्ट पे करना होगा। फिर एक चीज़ मैं यहाँ जिक्र करता जाऊँ, कुछ बैंकों की जो प्राइवेट बैंक हैं उनकी थोड़ी सी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी लेंथी होती हैं, जो गवर्नमेंट बैंक हैं उनकी थोड़ी सी लचक होती है बैंक की, लेकिन आपको बैंक की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपकी डॉक्यूमेंटेशन आपको मुकम्मल करवाना होगी और उनकी पॉलिसीज को फॉलो करना होगा। अब चलते हैं एज लिमिट की तरफ, तो 18 से 30 साल और 30 साल से 60 साल ये एज की लिमिट दी जा रही है नॉर्मली, और यही लिमिट होगी बैंक आप किसी भी बैंक से अगर लोन लेते हैं। एक चीज़ यहाँ क्लियर कर दूँ, जो एम्प्लॉय है गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या प्राइवेट एम्प्लॉय हैं, कुछ एम्प्लॉय की रिटायरमेंट होती है 60 ईयर्स पे और कुछ की होती है 70 पे, कुछ 75 पे करते हैं, ये एक अंदाज़ा मैं बता रहा हूँ। तो बैंक कहता है कि जब ये बंदा रिटायर होगा 75 साल में होता है या 60 साल में होता है, तो उससे पहले पहले हमें इसका लोन जो है वो कवर करना है, यानी कि आपको अगर आप 50 साल के हैं तो आप लोन अप्लाई करें और 70 साल पे आपका लोन ख़त्म हो, और 70 साल जब हो रहे हो तो तब आप सुपर एनोवेशन यानी कि आपकी रिटायरमेंट हो रही हो किसी भी महकमे में किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जहां भी आप काम करते हैं। अब नेक्स्ट है जनाब, अगर सालाना इनकम क्या होनी, महाना इनकम क्या होनी चाहिए, तो महाना इनकम के बारे में बात करते जाऊँ तो 25,000 से लेकर 1,00,000 तक आपकी होनी चाहिए महाना इनकम, और वो इसमें बैंक तो कहता है कि आपके पास डिस्पोजेबल इनकम ये होनी चाहिए, यानी कि आपके तमाम अखराजात इसमें निकल जाएं और बाकी आपके पास ये बचे, तो इसमें थोड़ा सा लचक होती है, वो आपको आपकी जो सैलरी अगर 30 से 40 हज़ार है तो उसमें आप इसको कवर कर सकते हैं। तो अगर आप बिज़नेस करते हैं और आप ये लोन अवेल करना चाहते हैं तो आपका बिज़नेस टेन्योर 5 साल होना चाहिए, 1 साल की कमी भी आपकी चल सकती है, लेकिन बेसिक क्राइटेरिया जो है वो 5 साल है, और अगर कम अगर जॉब वाले की बात करें जो जॉब करते हैं तो वो भी 5 साल उनका भी हो एक्सपीरियंस, या उनकी जॉब को 5 साल हो चुके हों तो, वो जॉब करते हुए अगर किसी सिंगल पर्सन की सैलरी कम है, वो सैलरी ले रहा है 20,000, तो वो अपने किसी भाई को अपनी बीवी को अपने ख़ानदान के किसी फर्द को अपने ख़ानदान ब्लड रिलेशन को मिलाकर उसकी सैलरी दिखाकर कि हम दोनों की सैलरी मिलकर तकरीबन 50,000 हो जाती है, तो वो इस तरह से भी अप्लाई कर सकते हैं, एक इंडिविजुअल भी अप्लाई कर सकता है और दो को बंदे भी यानी दो बंदे मिलकर भी इस लोन को अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉरेन कंट्री में रहने वाले लोग जो उनसे हैं वो भी इस लोन से फ़ायदा उठा सकते हैं। ये है जनाब बेसिक क्राइटेरिया, और तमाम बैंकों में यही क्राइटेरिया होगा, इसके मुताबिक अपनी तैयारी रखें और अपना माइंड बना कर रखें। इस लोन ये लोन जो है ये बहुत कीमती लोन है, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में ऐसा ये फर्स्ट लोन है जो इतने कम मार्कअप पे दिया जा रहा है, आपको कभी भी कोई बैंक इतने कम मार्कअप पे लोन नहीं देता, इवन के हाउस बिल्डिंग फाइनेंस की मैंने लास्ट वीडियो बनाई उस पर भी आपने मार्कअप देखा, तो इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। अगर हमारी हुकूमत एक अच्छा कदम उठा रही है, अगर एक गरीब आदमी को उसका अपना जातिगत मिल जाता है और उसका 10 से 15 या 20 हज़ार रुपये किराया पर मंथ बच जाता है, और वो ही पैसे जो किराए के हैं वो इस लोन में पे कर देता है, तो वो डेफिनेटली फ़ायदे में है, तो उसके लिए ये लोन किसी नेमत से कम नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो समझ में आई होगी, मेरी बातें समझ में आई होगी। अगर कोई क्यूरी है मुझे क्वेश्चन में ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखते जाएँ, मैं आपकी तमाम क्यूरीज का एक वीडियो में जवाब दूंगा, क्योंकि क्यूरीज ज़्यादा होती हैं, सवाल ज़्यादा होते हैं, तो मैं फर्दन उनका जवाब नहीं दे सकता, इसलिए मैं आपके तमाम सवाल का जवाब एक वीडियो में दे दूंगा। मज़ीद आप जो भी पूछना चाहेंगे, तो अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, अगर किसी इसको शेयर करें ताकि आपका कोई अजीज दोस्त भी इससे फ़ायदा उठा सके। एक तो ये सदका जारिया है, और दूसरा इस दौर में एक छोटी सी नेकी भी आपके लिए सुदमंद साबित हो सकती है। कभी ये ना सोचें कि हम इसको शेयर करेंगे तो कोई दूसरा बंदा भी इसमें अप्लाई कर देगा, वो अप्लाई ना कर सके, या उसमें कैंडिडेट्स की तादाद बढ़ जाएगी तो हमें नहीं मिलेगा, ऐसा हरगिज़ ना सोचें। अल्लाह की ज़ात ने अगर कोई वसीला बनाया आपके लिए रखा है तो वो आपको ही मिलेगा, अगर किसी के लिए है तो वो किसी को मिलेगा। तो इसमें इसको शेयर करें अपने दोस्तों और अजीज़ों के साथ,
और कंसल्ट एक दूसरे से कंसल्ट करें ताकि इस लोन से बेहतरीन फ़ायदा उठाया जा सके। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।